2 hours late. 20 minutes later. Hey, good morning guys. तो कैसे हैं आप लोग? आज का एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है. तो आज का ब्लॉग बहुत ही मजेदार और बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है. तो एंड तक जरूर देखना. और मेरे साथ एक डुगू है. बहुत बदमाश होता है ये बंदा. इसका भी एक चैनल है यूट्यूब पर. अगर आप सर्च करेंगे डुगू लेना ब्लॉग्स तो चैनल पे हो जाएगा. अच्छा, तुमको सिखा दिया है. तो चलते कुछ सामान लाने के लिए. ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ ये पारादीप का जो पीपीएल का टाउनशिप है वहीं से मैं शूट कर रहा हूँ. और इसके अंदर का व्यू है. और यहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी. स्कूल हो गया और प्ले ग्राउंड हो गया और मार्केट भी इधर है और बहुत कुछ चीज़ है. यहाँ पर सारी फैसिलिटी यहाँ पर दिया जाता है. देख सकते हैं ये एक छोटा सा मार्केट है. यहाँ पर आपको हर एक चीज मिल जाएगी ट्रेलर से लेके उसके बाद सैलून तक. और छोटा मोटा दुकान भी यहाँ पर है. और क्या और ये कुछ व्यू है. ऐसा व्यू देखने के लिए अभी हम जा रहे हैं ट्रेनिंग हॉस्टल की तरफ. तो वहाँ का भी व्यू देखते हैं कैसा है. मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है. ट्रेनिंग हॉस्टल एरिया जहाँ पर है यहाँ पर जो नए मतलब ज्वाइन होते हैं पीपीएल में तो यहाँ पर पहले पहले आके मिलते हैं. अच्छा, और ट्रेनिंग लेते हैं उसके बाद जाके ड्यूटी करते हैं. अच्छा, तो अंदर का व्यू जो है कुछ पूछा मैंने कुछ. तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो व्यू है और जो टाउनशिप कहते हैं पीपीएल का जो टाउनशिप है यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटी तो मिलती है. उसके साथ आपको मतलब फॉरेस्ट जैसा लुक मतलब नेचर के साथ आप रह सकते हैं. आपको ऐसा फील लगेगा कि आप नेचर के साथ हैं और मतलब फॉरेस्ट एरिया की तरह है. मतलब टूरिस्ट प्लेस जैसा लगता है. अच्छा, हमको इस साइड में जवाहरलाल नेहरू का हॉस्पिटल है. यहाँ पर मतलब कितना बड़ा पौंड है. और यहाँ पर जैसे मतलब देख सकते हैं आप कितनी तरह तरह के फूल लगा है और कितना अच्छा लगता है दिखने में. और वहाँ पर एक बोट भी है. इससे भी बड़ा प्लेग्राउंड और है. आप दिखाएंगे और एक पार्क है. इधर एक पार्क है देख सकते हैं बच्चों के लिए बनाया गया है पार्क. यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना मतलब ग्रीन सा माहौल है. और देवी पब्लिक स्कूल यहाँ पर पीपीएल टाउनशिप का जो प्ले ग्राउंड है इस तरफ है. और इस तरफ बॉस स्टॉप है. बॉस खड़ा है दिख रहे हैं ना वहाँ पर एक बॉस स्टॉप है. अच्छा, बॉस स्टैंड है वहाँ पर पॉइंट होता है. वहाँ पे भी कंपनी की तरफ से सारी सुविधाएं हैं जैसे कि जिम स्विमिंग पूल बिलियर्ड्स कैंटीन भी वहाँ पे है. आप जब भी फ्री टाइम पर अपने फैमिली के साथ यहाँ पे आप बढ़िया डिशेस एंजॉय कर सकते हैं. और खास करके हॉर्टिकल्चर को लेके पीपीएल बहुत ही ध्यान रखता है. आप देख सकते हो चारों तरफ पौधे ही पौधे. दे आर ऑल्सो सम वेराइटीज ऑफ मैरीगोल्ड प्लांटेड. और ये जो पॉन्ड हमारा बाई साइड में लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो ये है आपका लोटस पॉन्ड. यहाँ पे लोटस खिलते हैं. अभी पता आना उसमें शुरू हो गया है और एक दो महीना में फूल भी आ जाएंगे. यहाँ पे आप देख सकते हो उसका बर्ड भी निकल बढ़िया जगह है. यहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं ना यहाँ उनके लिए बनाए गए हैं. कोनार्क क्लब इसका नाम है. कोनार्क क्लब. और यहाँ पर
पर जो ऑफिसर्स होते हैं यहाँ पर आके रहते हैं, जो गेस्ट हाउस के तरह है और हाउसिंग की तरह पार्किंग एरिया है। इस तरह पे टू व्हीलर, उस तरह पे फोर व्हीलर। टाउनशिप में एक शिव मंदिर है और एकदम सेंटर में, टाउनशिप के सेंटर में एक मंदिर है और ये सब मतलब जो एम्प्लॉय होते हैं ना उनके नाम से हुआ था मंदिर। टाउनशिप के अंदर एक मार्केट है, छोटा सा मार्केट, और ऋषि भैया आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ। ऋषि भैया कुछ बताइए मार्केट के बारे में, क्या क्या मिलते हैं यहाँ पर? यहाँ पर सारी सुविधाएं मिलते हैं, जैसे ब्रोकरेज शॉप से लेकर मिल्क शॉप, आपका मेडिसिन शॉप भी है यहाँ पर। इसलिए हमारे डेली रूटीन के हिसाब से जो भी सामान चाहिए हम यहाँ पर ले सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आप अगर एम्प्लॉई हैं तो आपको जो क्रेडिट में भी माल दे सकते हैं। जैसे कि आप मान के चलिए अपना फैमिली को यहाँ पर छोड़ के गए, क्योंकि आप एक फोन कर रहे हैं तो सब चीज़ आपको होम डिलीवरी कर सकते हैं। आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा, मतलब आप एक कंपनी के अंदर है, यहाँ पर आप डॉग को भी देख सकते हो, कितने डॉग है यहाँ पर, और उस तरफ भी मतलब पॉन्ड के साइड में 1000 से भी ज़्यादा घर यहाँ पर है, रहने के लिए गेस्ट हाउस हो गया, कम्युनिटी हॉल हो गया और यहाँ पर सारा कम्युनिटी हॉल हो गया। कम्युनिटी हॉल जो देख रहे हैं ये कम्युनिटी हॉल है, ये बढ़िया था। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।